हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने आपके डेंटल से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए। आज हमने फिर डॉक्टर ताज को आपके लिए बुलाया है जो आपके डेंटल से जुड़े हुए सवालों का जवाब देंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मोस्ट वेलकम सर इस कार्यक्रम में आने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल हैं, लगातार कंटिन्यूसली वो सवाल भेज रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ वहाँ पर और आपके बिहाफ पर कि आप उनके राइट आंसर ऑथेंटिक जवाब देंगे। जरूर। तो उनका पहला एक सवाल है कि मेरा एक छोटा और एक बड़ा दांत खराब हो गया है तो क्या मैं डेंटल मेडिकल में एसएससी जीडी में फेल हो जाऊंगा? आपका अगर एक छोटा और एक बड़ा दांत खराब हो गया है जी, तो इसके मतलब है कि आपके डेंटल जो पॉइंट बनेंगे उसमें 3 पॉइंट डेंटल पॉइंट आपके लेस हो जाएंगे। अच्छा। यदि किसी का एक छोटा एक बड़ा दांत खराब हो गया है तो उसके 3 डेंटल पॉइंट कम हो जाएंगे, क्योंकि बड़े दांत के लिए 2 नंबर होते हैं। बड़े दांत के लिए 2 पॉइंट्स और एंटीरियर दांत के लिए 1 पॉइंट होता है। तो 3 पॉइंट लेस होने के पूरे पूरे चांस हैं। इस कारण से उसको अपना चेकअप करा के प्रॉपर मैनेजमेंट करा के ही डेंटल एग्जामिनेशन में अपियर होना पड़ेगा। अगर जैसे थोड़ा खराब है तो वो क्या करें? अगर किसी का माइनर कैरीज है, छोटा मोटा खराब है, तो उसमें परमानेंट फिलिंग करा के ही जाना है। अच्छा। परमानेंट फिलिंग जैसे कि सिल्वर फिलिंग हो या आजकल लाइट कोर फिलिंग होती है, ग्लास आइनोवर फिलिंग होती है, उस फिलिंग से जिससे कि दांत रिपेयरेबल हो जाए, बढ़िया हो जाए, चबाने लायक हो जाए, वो फिलिंग करा के ही जाना है। ओके, तो उसे नंबर सही मिलेगा? नंबर मिल सकते हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर सर वो दांत ज़्यादा खराब हो चुका है तब क्या करें? अगर किसी का दांत ज़्यादा खराब हो गया है, पस पड़ गया है, एक्सपोज हो गया है, तो उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अच्छा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद उस दांत पे पोर्सलिन का कवर भी लगवाना पड़ेगा। अच्छा। पोर्सलिन क्राउन बन जाएगा जिससे कि वो दांत अच्छे से चबाने के लायक हो जाए और उसमें से फिलिंग दोबारा से ना निकले। ओके, दैट्स गुड। ये एक क्वेश्चन और भी था किसी व्यूअर का कि अगर मैंने क्राउन लगा रखा है, अगर दांत में मेरे क्राउन लगा है तो क्या ये एक्सेप्टेबल रहेगा? अगर किसी का आरसीटी ट्रीटेड दांत है और उस पर पोर्सलिन का क्राउन लगा हुआ है तब वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा। अगर आरसीटी नहीं करी, ऐसी क्राउन लगा लिया तो वो दांत इनकम्प्लीट होगा, वो पेनफुल हो सकता है, वो चबाने लायक नहीं हो सकता, इसलिए वो दांत में रिस्क रहेगा। ओके। अच्छा, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन, इनका ये है कि जो यही क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कि अगर मेरा एक दांत बड़ा और एक दांत छोटा खराब हो गया है तो उसमें अगर उसके 32 दांत हैं तो फिर क्या सोचे वो, क्या समझे? अगर उसके 32 दांत हैं तो उसके 22 डेंटल पॉइंट काउंट होंगे। हाँ, 22। अच्छा। अगर एक माइनर एंटीरियर टीथ और एक पोस्टीरियर टीथ खराब है तो उसके 3 डेंटल पॉइंट लेस होंगे। ठीक है। 22 माइनस 3 ठीक है, 19 डेंटल पॉइंट होंगे। इस लिहाज से तो वो पास हो सकता है डेंटल एग्जामिनेशन में पॉइंट डेंटल पॉइंट के हिसाब से। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी ये कंसीडर करना जरूरी है कि कौन सा दांत खराब है, कहीं फ्रंट का तो खराब नहीं है। फ्रंट का दांत तो ऐसा नहीं है कि सामने देखते ही इंप्रेशन खराब हो जाए जी, इसलिए उसको इस बात का लिहाज रखना है, दांत को ठीक कराना है। क्योंकि हो सकता है इसमें जैसे आपने पहले भी बताया है वीडियोस में कि जहाँ पर कोई एक दांत खराब होता है तो उसके ऑपोजिट दांत भी प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए, नहीं तो नंबर और भी कम हो सकता है। और कम हो सकता है, नंबर ही नहीं मिलेगा। नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर सर इसमें 28 दांत किसी के हैं तो फिर उसके अगर 28 दांत है उसके, अगर एक दांत बड़ा और एक छोटा खराब हो चुका है, 28 दांत हैं तो उसके 18 डेंटल पॉइंट होंगे। अच्छा, ठीक है। अब उसमें से 3 पॉइंट लेस हो जाएंगे तब भी उसके 15 डेंटल पॉइंट बचेंगे और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड होते हैं। एक पॉइंट आपका फिर भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दांत रिपेयरेबल है तो रिपेयर करा के ही जाना है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। सर, इसके आगे कुछ सवाल ऐसे हैं कि कॉमन सवाल हैं, कई लोगों के सवाल हैं, उनका जुड़ा हुआ मैंने एक मीम क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है कि जो दांत खराब है उसे किस तरीके से रिपेयर कराएं जिससे कि डेंटल मेडिकल टेस्ट में हमें नंबर प्रॉपरली मिल जाए। दांत माइनर, जैसे मैंने ही बताया कि अगर माइनर करीज है, छोटा मोटा करीज है तो परमानेंट फिलिंग चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो डीप करीज हो गया है, एक्सपोज हो गया है, रिपेयरेबल दांत है, तो उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराकर उस पर
क्रोसलिन का या जरकोनिया, उससे भी अच्छा एक मटेरियल होता है, उसका क्रम लगवाना है आपको, तब वो दांत कंसीडर किया जाए। अच्छा, अगर किसी का दांत उसने ध्यान नहीं दिया पहले से और वो दांत या तो है नहीं, मिसिंग हो चुका है, या फिर नॉन रिपेयरेबल है, कि इस कंडीशन में है कि वो आरसीटी भी नहीं हो सकती या और भी जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं हो सकता, तब वो क्या करे? इस कंडीशन में कुछ जगह पे इम्प्लांट लगाना जरूरी है। अगर वो क्या तरीका होता है, इम्प्लांट क्या होता है सर? ऐसा है जैसे अगर उसकी रूट पड़ी हुई है, दांत की रूट है, रूट है, तो उस रूट को निकलवा के ठीक है वहाँ पे इम्प्लांट होता है, बोन के अंदर परमानेंटली एक इम्प्लांट डाल के उस पे दांत को फिक्स कर दिया जाता है। ओके। इससे आगे या पीछे जो आगे अगल बगल के दांत होते हैं उनको कुछ टच नहीं करना पड़ता है, वो वैसे ही बने रहते हैं, वहाँ पर भी परमानेंट रूट लग जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसको उसमें मार्क्स पूरे मिले, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे उसमें, इम्प्लांट होना चाहिए। ओके, तो थैंक यू। मुझे लगता है कि ये जो सारे जवाब आपने दिए ये कई लोगों के बहुत सारे सवालों का एक मीन भी है सर, कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे हैं और अभी भी रेगुलरली क्वेश्चंस लगातार आते जा रहे हैं। तो अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग अपने सवाल कर रहे हैं, तो आई होप कि उनको उनके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि आपको जो इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है उससे बहुत सारी आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी अगर आपके इससे जुड़े हुए और भी सवाल हैं तो आप उनको कमेंट ऑप्शन में नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डॉक्टर साहब से फिर समय लूँगा जिससे इन सवालों पर हम फिर से चर्चा करें और आपको उनके जवाब सही से दे पाएँ। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इसमें इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। अगर आपके डेंटल मेडिकल से जुड़े हुए और भी कोई सवाल है तो आप इससे पहले के भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे सवाल हमने डॉक्टर साहब से किए थे और जिनके जवाब बहुत ही बेबाकी से डॉक्टर साहब ने हमें दिए थे और बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक नॉलेज के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।